हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की तैयारी अच्छे चल रही होगी प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। और देखो बच्चों, परमाणु त्रिज्या के थोड़े से अपवाद भी होते हैं, उनके बच्चे आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। देखो, परमाणु मतलब परमाणु की जो भी त्रिज्या होती है। एक बार को मैं अगर आपको बताऊं कि भाई, अगर ये कोई नाभिक है प्यारे बच्चों, किसी परमाणु के नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन की बच्चों धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाती है भाई। भाई कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो, लेकिन क्या पता कहाँ तक मिलेंगे। तो एग्जैक्टली तो भाई हम किसी परमाणु की त्रिज्या को ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जैक्टली जो हमें चाहिए भाई, वो एग्जैक्टली बता नहीं सकते भाई, क्या पता कहाँ तक भाई कोई इलेक्ट्रॉन। तो एग्जैक्टली कहाँ पता है भाई? यहाँ तक मापेंगे या यहाँ तक मापेंगे या यहाँ तक मापेंगे, कहाँ तक मापेंगे भाई? तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम एग्जैक्टली तो किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते। सही हमारा प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली हम किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों, कि हम क्या करते हैं, त्रिज्या को तीन प्रकार से पढ़ लेते हैं भाई। सहसंयोग त्रिज्या, और आपकी धात्विक त्रिज्या, और आपकी वंडरवाल त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको, चलो भाई ये तो हम मैंने आपको बताया एग्जैक्टली तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन भाई अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन तो रहेगा ही। लेकिन अगर मुझे ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? देखो प्यारे बच्चों, भाई कोई भी नाभिक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों किसी भी परमाणु का नाभिक है भाई, मुझे नहीं पता कौन सा परमाणु। तो किसी परमाणु का मैंने मान लिया प्यारे बच्चों नाभिक है, उसके चारों ओर क्या होंगे भाई? कक्षाएं होंगी, कोश होंगे मतलब। और कोश में भाई तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, जो भी आपकी कक्षाएं होते हैं उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे प्यारे बच्चों, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तुम्हें पता भाई बाह्य कक्षा कौन सी होती है? बाह्य कक्षा होती है। तो किसी नाभिक से बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों तक के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या बोल देते हैं भाई। ये नाभिक हो गया आपका, इस नाभिक से ये बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो इनके बीच की जो भी दूरी है उसी को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? हम त्रिज्या बोल देंगे भाई। ऐसे तो इधर भी होगा ये, तो ये तो आधा ही हो रहा है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या बोल रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा लिखवा दूं भाई, लिखो भाई, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या कहते हैं। स्वयं आगे प्यारे बच्चों, उसको क्या बोल देंगे? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहां पर समझा रहा हूं, ये आपका नाभिक है भाई, इस नाभिक की भाई ये कोश है, कोश में कक्षाएं होती है। तो इसके जो बाह्य जिनको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के जो भी बीच की दूरी है प्यारे बच्चों, भाई ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो भी बीच की दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या। अब परमाणु त्रिज्या के भी भाई प्रकार होते हैं। परमाणु त्रिज्या तीन प्रकार की होती है प्यारे बच्चों। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है भाई। एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हम क्या बोल देंगे भाई? त्रिज्या बोल देंगे, परमाणु त्रिज्या।
अब प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के प्रकार पढ़ेंगे भाई। परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? परमाणु त्रिज्या होती है भाई तीन प्रकार की। परमाणु त्रिज्या के प्रकार, परमाणु त्रिज्या के क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हम प्रकार पढ़ेंगे भाई। प्यारे बच्चों क्या पढ़ेंगे भाई? प्रकार। तो इसमें सबसे पहली पढ़ते हैं भाई हम सहसंयोजी त्रिज्या। सह संयोजी त्रिज्या, मैंने आपको बता भाई एग्जैक्टली तो हम ज्ञात नहीं कर सकते परमाणु त्रिज्या, तो इसलिए हम पहले क्या पढ़ते हैं भाई? सहसंयोजी त्रिज्या पढ़ते हैं भाई। अब प्यारे बच्चों सहसंयोजी त्रिज्या क्या होगी भाई? सहसंयोजी त्रिज्या होगी क्या प्यारे बच्चों? तो अब देख रहे प्यारे बच्चों हम कि सहसंयोजी त्रिज्या क्या होती है भाई। सहसंयोजी भाई सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सहसंयोजी बंध कब बनता है भाई। सहसंयोजी बंध बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। सहसंयोजी बंध बन गया जैसे भाई आपका ये हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन का नाभिक है, इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हाइड्रोजन प्यारे बच्चों, इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे अपनी मतलब अष्टक पूर्ण कर, मतलब अपनी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे भाई। इसने इसका इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, तो इनका क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध बन गया इनका इस प्रकार भाई। ये तो पढ़ा रखा, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ये नाभिक होता है प्यारे बच्चों, ये नाभिक हो गया प्यारे बच्चों। ये वाला ये क्या आ गया भाई प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो कौन सा बंध बनेगा प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध बन जाएगा। क्या बना प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध। तो नाभिक और नाभिक के बीच की जो भी ये दूरी है प्यारे बच्चों भाई, सहसंयोजी बंध तो बन गया, लेकिन नाभिक और नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या बोल देंगे। जैसे अभी समझो भाई क्लोरीन का परमाणु प्यारे बच्चों, क्लोरीन का परमाणु है भाई। किसका परमाणु है प्यारे बच्चों? क्लोरीन का। तुम्हें पता भाई क्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? कितने होते हैं प्यारे बच्चों बोलो यार, बोलना भाई कितने होते हैं? सात होते हैं क्लोरीन के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो भाई सात होते हैं। अब ये चलो उस चीज को तो छोड़ दो भाई। अब प्यारे बच्चों एक क्लोरीन का एक परमाणु ये रहा, दूसरा क्लोरीन का परमाणु ये रहा भाई। इन्होंने क्या बना रहा प्यारे बच्चों? आपस में सहसंयोजी बंध बना लिया। क्या बना लिया प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध। इस प्रकार भाई क्या बना लिया प्यारे बच्चों? इन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिया। एक क्लोरीन का दूसरे परमाणु है भाई, ये भी सीएल और ये भी आपका सीएल, तो इनके बीच में क्या बना प्यारे बच्चों? सहसंयोजी बंध बन गया। ये सहसंयोजी बंध कब बनता है बच्चों? नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी को ही हम सहसंयोजी बंध बोले भाई। इसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जो भी बनता है उसको सहसंयोजी बंध बोलते हैं, लेकिन नाभिक और नाभिक के बीच के आधे भाग को बच्चों हम क्या बोल देंगे? सहसंयोजी त्रिज्या बोल देंगे बच्चों। क्या बोल देंगे? सहसंयोजी त्रिज्या। इस प्रकार भी दिखा देते हैं भाई इसको। ये एक परमाणु होगा भाई, परमाणु का नाभिक हो गया और एक दूसरा परमाणु हो गया और उसका नाभिक ही हो गया प्यारे बच्चों। इस प्रकार इसके आधे भाग को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या। अगर इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो कैसे बनेगी भाई? सहसंयोजी बंध के आधे भाग को सहसंयोजी त्रिज्या बोलते हैं, या सहसंयोजी बंध में जो भी सहसंयोजी बंध है प्यारे बच्चों, तो उनके नाभिकों के आधे भाग को या नाभिकों के बीच के आधे भाग को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या बोल देते हैं भाई। जैसे आपको समझना है ऐसे समझ लो प्यारे बच्चों, जो आपको ईजी लगेगा उसको लिख लो। ठीक है भाई, तो लिख लो प्यारे बच्चों। लिखो प्यारे बच्चों, लिखना क्या भाई इसमें? सहसंयोजी बंध के आधे भाग को क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहते हैं, क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों देखो भाई, मैंने बताया आपका क्लोरीन और क्लोरीन का परमाणु बना, तो इनके बीच का जो भी ये भाग है भाई बच्चों, जो भी ये सहसंयोजी बंध है, इसके आधे भाग को हम क्या बोले प्यारे बच्चों? सहसंयोजी त्रिज्या बोलने। लेकिन प्यारे बच्चों एकल बंध के, आपको सहसंयोजी बंध के एकल बंध के निकालना, आपको द्विबंध के नहीं। द्विबंध के क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? जैसे ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन है इनके बीच की, जो जो भी सहसूजी बंध है इनका आधा भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो एकल बंध से इनकी जो भी त्रिज्या वो कम आएगी, इसलिए हम एकल बंध में निकालते हैं। आप अगर त्रिपल बंध में निकालोगे तो वहां पर भी इनकी त्रिज्या क्या निकल कर आती है प्यारे बच्चों, कम ही निकल कर आती है, इसलिए हम सिर्फ एकल बंध में निकालते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उतारो इसको भाई। किस में निकालते हैं प्यारे बच्चों, ओनली एकल बंध में निकालते हैं, द्विबंध में। ये हाइड्रोजन का परमाणु मान लो भाई, ये भी हाइड्रोजन का, तो इस प्रकार हम इस प्रकार दिखा दिए हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम एकल बंध में निकालते हैं भाई, एकल बंध में, क्योंकि एकल बंध की जो त्रिज्या होती है वो ज्यादा होती है। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारी हेडिंग है भाई धात्विक त्रिज्या। हो गया भाई प्यारे बच्चों ये आपका। अब देखो ये ओवरलैप करे भाई, ये जो भी आपके परमाणु है आपस में, मतलब इस प्रकार धस रहे भाई, इस प्रकार ओवरलैप कर गए प्यारे बच्चों, तो इनकी जो त्रिज्या है वो आगे पढ़ रहे हैं, तो उससे कंपेयर करेंगे तो उसको देखेंगे प्यारे बच्चों। हटा दो भाई इसको, हो गया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार। आगे बच्चों आपका तय परमाणु त्रिज्या का प्रकार ही धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। अब प्यारा बच्चों धात्विक त्रिज्या क्या होती है भाई, धातु तो आपने देखी हो भाई, जैसे लोहा होता है और भी धातु होते हैं, बहुत सी सारी धातु है, तो धातु में क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल होते हैं। क्या होते हैं क्रिस्टल, देखो मैं कैसे होते हैं भाई क्रिस्टल, इस प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों धातु में क्रिस्टल, और उनके कोनों पर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु होते हैं। ये परमाणु हो गया भाई, ये वाला हो गया प्यारे बच्चों परमाणु, ये हो गया और ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया भाई, ऐसे और भी आगे भाई आगे चलते जाओ, ऐसे बहुत परमाणु है भाई, ऐसे थोड़ी, इस प्रकार आगे बढ़ते जाओ प्यारे बच्चों। ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, फिर ऊपर भी चलते जाओ भाई, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, ये परमाणु, इस प्रकार प्यारे बच्चों क्रिस्टल होते हैं धातुओं के अंदर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों क्रिस्टल। तो अब प्यारे बच्चों जब क्रिस्टल होते हैं तो दो परमाणु, देखो मैं तो भाई मतलब गैप नजर आ रहा है इनमें, लेकिन ये दो परमाणु बिल्कुल जुड़े होते हैं ऐसे भाई, इस प्रकार भाई। अगर सहसोजी में तो इस प्रकार थे भाई, सहसोजी में तो ओवरलैप कर रहे थे, और धातु में इस प्रकार बस अटैच करे तो टच करे होते हैं बस धातु में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब तुम देखो बच्चों भाई जो भी इनमें आकर्षण बल होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, वो अभी हमारा मतलब वो नहीं है कि हमें सब ज़्यादा ही पढ़ना है, और इनमें आकर्षण बल होता है भाई नाभिकों के कारण भाई, अभी नाभि नाभिक खींचते हैं इनके इलेक्ट्रॉनों को, ये वाला नाभिक खींचता है, ये वाला नाभिक खींचता है इसके इलेक्ट्रॉनों के, ये वाला, तो एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो धात्विक त्रिज्या प्यारे बच्चों, ये देखो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, अब तुम देखो ये वाली दूरी भाई इसमें तो ओवरलैप कर रहे, तो इसकी दूरी कम होगी, इसकी दूरी ज्यादा होगी प्यारे बच्चों, इसलिए जो आपकी सहसूजी त्रिज्या होती है उसकी दूरी कम होती है, मतलब उसकी त्रिज्या कम होती है और धात्विक त्रिज्या ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर धातु में सिर्फ परमाणु टच होते रहते हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, किसी धातु के क्रिस्टल में दो परमाणुओं के निकटतम, निकटतम दो परमाणु लेने भाई, निकटतम दो परमाणुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धात्विक त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है भाई, आधे भाग करो भी उसके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो निकटतम भाग, निकटतम दो गोलक या दो परमाणु के बीच की आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, धात्विक त्रिज्या बोल देते हैं। लिखो भाई इसमें, किसी धातु के क्रिस्टल क्रिस्टल में दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी के
दूरी के आधे भाग को, आधे भाग को धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं? धात्विक त्रिज्या कहते हैं। जैसे भाई ये क्रिस्टल का पहला गोला, ये दूसरा गोला, तो इनके नाभिक से नाभिक के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धात्विक त्रिज्या। और धात्विक त्रिज्या बड़ी होती है प्यारे बच्चों सेंसोइडल त्रिज्या से। तो धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या ज्यादा होती है भाई सेंसोइडल त्रिज्या से, सेंसोइडल त्रिज्या। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होती है भाई? ज्यादा होती है सेंसोइडल त्रिज्या से। चलो भाई प्यारे बच्चों आगे ध्यान देते हैं। तो समय मांग भाई प्यारे बच्चों आपको धात्विक त्रिज्या। अब देखते हैं प्यारे बच्चों वंडरवाल त्रिज्या, तीसरा टॉपिक है भाई वंडरवाल, वंडरवाल्स त्रिज्या। त्रिज्या तो वंडरवाल त्रिज्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों? वंडरवाल त्रिज्या देखो प्यारे बच्चों, दो अणुओं के भाई, एक अणु बना दूसरा अणु बना, जैसे देखो समझो, एक मिनट यहां पर ध्यान दो। ये हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों पहला अणु है, इस प्रकार बना हुआ है ओवरलैपिंग के कारण। ये उनके प्यारे बच्चों नाभिक है। ये हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों दूसरा अणु है, ठीक है भाई, ये इसका नाभिक है प्यारे बच्चों। अब तुम देखो भाई, इसको तो हम क्या बोले प्यारे बच्चों? सहसूत्र त्रिज्या बोल ले भाई इसके आधे भाग को। लेकिन प्यारे बच्चों एक अणु और दूसरे अणु में जो भी आकर्षण बल लगा होता है, आकर्षण बल होता है, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों वांडरवाल बल। तो उनके दो निकटतम परमाणुओं के, भाई ये अणु है ये दूसरा अणु है, तो इनके निकटतम जो भी परमाणु है उनके बीच की दूरी को तो बोलते हैं प्यारे बच्चों वांडरवाल दूरी। और उसके आधे भाग को प्यारे बच्चों क्या बोल देते हैं हम? वंडरवाल त्रिज्या। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? वंडरवाल त्रिज्या। मतलब ये जैसे कोई परमाणु है प्यारे, अणु है प्यारे बच्चों, जैसे क्लोरीन का अणु है भाई Cl2 का, ये इनके नाभिक है प्यारे बच्चों, ये भी दूसरा Cl2 का अणु है भाई। तो इनके प्यारे बच्चों देखो, इनके नहीं, इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्या बोलते हैं भाई? वंडरवाल त्रिज्या बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? वंडरवाल त्रिज्या। और ये भी प्यारे बच्चों गैस में नहीं होगा कि भाई आप गैस में, गैस में तो भाई एक अणु यहां पर एक अणु वहां पर, तो कैसे ज्ञात करोगे? ये ठोस में लेकर लगते हैं, पैकिंग में पैक कर लेते हैं इनको, ठोस में मतलब किसी उसमें ठोस ठोस चीज में लेते हैं प्यारे बच्चों, वहीं पर इनकी वंडरवाल त्रिज्या देखते हैं अणुओं के बीच की दूरी को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लिखो भाई, किसी ठोस के, ठोस में दो सेम अणुओं के, सेम ही होने चाहिए प्यारे बच्चों, अलग अलग लेंगे तो दिक्कत बन सकती है भाई। भाई अलग अलग ले, एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया, तो वो तो अलग अलग आएगा, इसके अलग निकल कर आएगी, इसके अलग निकल कर आएगी भाई, सहसूत्र त्रिज्या वो धातु, वो वंडरवाल त्रिज्या। सेम ही लेते हैं प्यारे बच्चों, अलग वाले तुम्हारे टॉपिक में नहीं है भाई, अलग वाले पढ़ोगे तो बहुत ही वो करना पड़ेगा भाई, वो आपको विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही वो करना पड़ता है फिर भाई। किसी ठोस में दो सेम अणुओं के निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणु के बीच की दूरी के आधे भाग को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वंडरवाल त्रिज्या कहते हैं।
वंडरवाल, त्रिज्या, कहते हैं। क्या बोलते प्यारे बच्चों? वंडरवाल, त्रिज्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो भाई, वही वाली में त्रिज्या तो सबसे ज्यादा है, तो वंडरवाल त्रिज्या बहुत ही ज्यादा होती है, धात्विक त्रिज्या से भी और सैसविक त्रिज्या से भी। तो वंडरवाल त्रिज्या, वंडरवाल्स त्रिज्या ज्यादा होते हैं प्यारे बच्चों धात्विक त्रिज्या से। धात्विक से भाई और सहसयोजी से भी, समझ लो भाई, लिख लो ना पूरा यार, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए वंडरवाल त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। इसलिए तो भाई जो प्यारे बच्चों आपकी एक्रिय गैस होती है भाई, प्यारे बच्चों जो आपकी एक्रिय गैस होते हैं भी, एक्रिय गैस हो उनमें वंडरवाल फोर्स लगे होते हैं, इसलिए उनकी त्रिज्या बहुत ही ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का सही मारा भाई आपके, उतारे इसको। ये चीज, चलो भाई प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं। चलो भाई प्यारे बच्चों अब देखते हैं भाई, परमाणु त्रिज्या के कारक क्या क्या होते हैं भाई, किसके कारण घटते हैं, किसके कारण बढ़ते हैं भाई, उसको देखते हैं प्यारे बच्चों। हटा दो भाई अब इसको। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के कारक। ये जिस्म मेरा, ये रूह मेरी। तो भाई प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या के कारक, परमाणु त्रिज्या के कारक मतलब प्रभावित करने वाले भाई कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा लिख दो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या को कौन कौन प्रभावित करता है? तो सबसे पहला आता है भाई बच्चों नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। तो नाभिकीय आवेश भाई प्यारे बच्चों, अगर किसी एटम पर नाभिक का आवेश ज्यादा है तो परमाणु त्रिज्या खींचेगा भाई। ये देखो एक मिनट यहां पर ध्यान दो भाई, ये आपका प्यारे बच्चों नाभिक है, इसके अंदर 12 प्रोटॉन है, मतलब धनावेश पॉजिटिव भाई 12 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्यारे बच्चों, खींच रहा होगा भाई, अगर प्यारे बच्चों मैं धनावेश को बढ़ा दूं भाई प्यारे बच्चों, इसके अंदर प्रोटॉन संख्या बढ़ा दूं भाई 20 कर दूं, तो ये तो और भी ज्यादा खींच लगा प्यारे बच्चों, तो ये तो सत्ता आकार छोटा कर देगा भाई, खींच लगा नहीं खींच लगा प्यारे बच्चों, क्योंकि धनावेश की संख्या बढ़ गई। तो इसलिए नाभिक का, नाभिक पर आवेश बढ़ने पर सहसयोजी इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, कम हो जाते हैं भाई। क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? कम हो जाती है। ठीक है भाई लिख लो भाई, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय, इसको बड़ी मात्रा कर लेना भाई, नाभिकीय आवेश बढ़ने पर बढ़ने बढ़ने पर त्रिज्या घटती है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है प्यारे बच्चों क्या होती है भाई? घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है भाई? घटती है। इसी प्रकार भाई कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या भाई, कोष मतलब तुम देखो भाई, एक कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, अगर चौथा कोष है तो देखो, तुम देखो भाई इसमें 4 कोष है, अगले में 1 2 3 4 5 हो जाए, तो देखो कोष की संख्या बढ़ने पर क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है भाई। भाई कोषों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है भाई प्यारे बच्चों, अगर कोषों की संख्या बढ़ जाए तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है प्यारे बच्चों? बढ़ती है। तो लिख लो भाई इसमें भी,
कोसों की संख्या बढ़ने पर, कोशों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या। भाई अगर कोई वर्ड गलत लिखा जाता हो तो सही कर लिया करो यार, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों वर्ग में, कि वर्ग में भाई ऊपर से नीचे की ओर जब जाते हैं हम भाई, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है घटती है। तो हेडिंग डालो भाई वर्ग में परमाणु त्रिज्या। वर्ग में परमाणु त्रिज्या भाई, इसके जो भी वेरिएशन होंगे प्यारे बच्चों, जो भी अपवाद होगा उसको बाद में समझाऊंगा भाई मैं। तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या, तो वर्ग में परमाणु त्रिज्या। अब तुम देखो भाई वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं भाई, कोशों की संख्या बढ़ती है भाई, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश। तो वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो कोशों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ती है। लेकिन भाई कुछ अपवाद होते हैं डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, कुछ अपवाद हो जाते हैं, उन अपवादों को भाई हम आज आपको अच्छे से पढ़ा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, लेकिन मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो भाई। वर्ग में जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कोशों की संख्या बढ़ने के कारण। ठीक है भाई, सभी मारा प्यारे बच्चों आपके। तो हम प्यारे बच्चों जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे ओर जाते हैं, तो कोशों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो लिख लो भाई वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। देखो प्यारे बच्चों ज्यादातर तो ये जो वर्ग में है, ज्यादातर तो सिर्फ ये एस ब्लॉक में ही फॉलो होता है भाई। वर्ग में जैसे ऊपर से नीचे हो जाएंगे, इसका आकार ऐसा, इसका ऐसा, फिर इसका थोड़ा और बढ़ जाएगा, फिर और बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार इनका आकार बढ़ता है। जैसे सोडियम, लिथियम ले लो, चलो पहले भाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम से ये लिख दिया भाई, हेलिना की रब से फरियाद। तो भाई इसका अगर आकार ऐसा होगा, तो इसका थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा, फिर इसका बढ़ जाएगा, और फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, आकार बढ़ता जाता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। अभी इसमें कोश कितने आते हैं भाई, 1s2 2s1, इसमें 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब तुम देखो भाई यहाँ पर एक दो ही है, यहाँ पर एक और एक दो और एक तीन कोश हो गए, तो कोशों की संख्या बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो इसलिए आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ता जाता है। लेकिन ये बस एस ब्लॉक के लिए होता है भाई आकार, पी ब्लॉक में भी अपवाद हो जाता है, डी में भी अपवाद हो जाता है, उसको पढ़ेंगे भाई प्यारे बच्चों हम उसको। ठीक है भाई उतारो इसको। प्यारे बच्चों डी में भी अपवाद होता है और एफ में भी। चलो भाई अब देखते हैं प्यारे बच्चों आवर्त में, आवर्त में देखेंगे प्यारे बच्चों परमाणु त्रिज्या। आवर्त में तो अब देखो भाई आवर्त में क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम परमाणु त्रिज्या देख रहे हैं। आवर्त में क्या होता है भाई, जैसे आवर्त इस प्रकार बढ़ते हैं भाई, जैसे जैसे आवर्त में, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपकी जो परमाणु त्रिज्या वो घटती जाती है भाई। क्यों, इसको भी देख लो प्यारे बच्चों भाई, आपका बोरोन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ और फ्लोरीन हुआ, उसके बाद भाई नियोन आता है, नियोन अपवाद में आता है क्योंकि भाई हमें पता है इसका 1s2 2s2
और 2p1 हो जाएगा प्यारे बच्चे, इसमें पांच होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भाई अगर इस प्रकार है ना, अभी क्या भाई ऐसी पांच प्रोटोन होंगे इसके अंदर भाई। पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन, एक दो, दूसरी में तीन है प्यारे बच्चे, एक दो तीन। कोस तो भाई दो ही है, एक कोस दो कोस। इसी प्रकार भाई कार्बन, बस इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, दो आ जाएंगे यहाँ पर, पी में दो आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, मतलब भाई कक्षा में चार आ जाएंगे भाई, इसमें तीन तो उसमें चार आ जाएंगे, तो एक दो, एक दो तीन चार। अब प्यारे बच्चों देखो कोस तो नहीं है भाई, नाभिक आवेश छः हो गया बढ़कर भाई, इसका परमाणु क्रमांक छः होता है, नहीं होता यार, 8 9, नाभिक आवेश बढ़कर छः हो गया, तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो आकार के आवेश तो चल जाए भाई बच्चों कम, क्योंकि भाई नाभिक आवेश खींच रहा और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे, इलेक्ट्रॉन भाई प्रतिकर्षण तो हो रहा है लेकिन इतना वो बढ़ने का नहीं जितना नाभिक आवेश बढ़ाकर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, इसलिए आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा होता चले जाता है भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता चले जाता है भाई, छोटा। इसका आकार अगर ऐसा हुआ तो इसका ऐसा हो जाएगा, फिर इसका ऐसा, और फिर इसका ऐसा, और इसका ऐसा। लेकिन फिर बच्चों जब हम एक्रिय गैसों पर आते रहे तो उनका एकदम बढ़कर बहुत बड़ा आकार हो जाता है प्यारे बच्चों, क्या हो जाता है, बहुत बड़ा आकार हो जाता है, ये अपवाद में आता है भाई, एक्रिय गैस से आकार बड़ा हो गया अचानक ही। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ मारा, क्योंकि उनकी जो बाह्य कक्षा में भाई 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनमें प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनका आकार बहुत ही बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, प्रतिकर्षण के कारण, समझ मारा, यह क्रिया गैसों का होता है प्यारे बच्चों। जैसे नियोन ले लो इसमें भाई, इनका आकार बढ़कर बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, एक्रिय गैसों का आकार सबसे बड़ा होता है, तो एक्रिय गैसों को छोड़कर भाई बाएं से दाएं में जाने पर आकार क्या होता जाता है प्यारे बच्चों, छोटा होता है। आखिर ये कैसे में क्या हो जाता है भाई, अपवाद में आए थे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, उतारोगे इसको, उतार लो यार, एक मिनट। ये जिस्म मेरा, तो चलो भाई लिखो इसके बारे में प्यारे बच्चों। आवर्त में बाएं से भाई, इससे इस प्रकार जा रहे हैं हम, बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ता है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, परमाणु त्रिज्या घटती है भाई। ठीक है भाई, सही मारा। लेकिन न्यून पर भाई, न्यून जो आखिरी गैस है उनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनमें प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा लग जाता है, ये अपवाद में आता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, एक्रिय गैसों को छोड़कर करना प्यारे बच्चों, कभी आप एक्रिय गैस भी काउंट कर लोगे इसमें, समझ मारा प्यारे बच्चों, आप सभी के कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसको। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम थोड़ा वेरिएशन देख लेते हैं भाई, डी ब्लॉक का और पी ब्लॉक का थोड़ा सा ही देखेंगे भाई, ज़्यादा मैं आपको बताने कोई वो नहीं करने का भाई प्यारे बच्चों, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो और आपको समझने प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा समझ लेंगे भाई, क्योंकि भाई आपके उसमें है तो है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा भाई समझा दूंगा फिर भी भाई। आवर्त में तुमने देखा, वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आवर्त आकार क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, कम होता जा रहा है। तो अब देखेंगे प्यारे बच्चों, हम डी ब्लॉक के तत्वों के साथ में क्या हो रहा है, अपवाद देखेंगे प्यारे बच्चों, अपवाद अपवाद। तो एडिंग डालो प्यारे बच्चों, अपवाद वेरिएशन, क्या बोलते हैं उसको, अपवाद भाई। अब तुम देखो प्यारे बच्चों, जो आपके डी ब्लॉक की धातु है इस प्रकार है भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये आपकी धातु है प्यारे बच्चों। नज़र तो आ रही हो भाई आपको, अरे भाई तो ये आपकी धातु, मैंने आपको बता भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चे, 21, इसका 22, इसका 23, 24, 25, 26, 27 हो जाएगा, फिर 28, फिर 29, फिर 30।
तो प्यारे बच्चों हमने बताया भाई आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होना चाहिए था, लेकिन इनमें बच्चों वेरिएशन हो गया डी ब्लॉक की धातु में। भाई इनका आकार सबसे पहले अगर इस प्रकार होगा, फिर चलो घटा, इसका भी घट गया प्यारे बच्चों, लेकिन फिर घटना बंद हो जाता प्यारे बच्चों इसका, यहाँ पर घटकर और इन वाले जो ये तत्व है भाई, यहाँ तक कि जितने भी आपके तत्व है इनका आकार बिल्कुल सेम आता है प्यारे बच्चों। क्यों वो अभी मैं आपको बताऊंगा बस, लेकिन सेम आता है बस, इसको याद रखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका आकार लगभग में सेम आता है प्यारे बच्चों। क्या आता है प्यारे बच्चों? सेम। फिर अचानक ही बढ़ जाता है भाई इसका आकार, और इसका आकार भाई बड़ा हो जाता है अचानक, अचानक ही बढ़ जाता है प्यारे बच्चों इसका भी आकार इस प्रकार। भाई अगर इसका आकार प्यारे बच्चों 1. भाई मान रहा प्यारे बच्चों अगर 1.66 होगा, तो इसका 2.66 होगा भाई, 2.66 होगा तो इसका 2.33, इसका प्यारे बच्चों 2. मान रहा भाई लगभग में 2. ले लो, 1. ले लो, आपको 1 ही ले लो, चलो प्यारे बच्चों 1. इसका होता है प्यारे बच्चों 1.22, और इसका प्यारे बच्चों हो जाता है 1.18, और इसका 1.17, इसका 1.17, इसका भाई 1.16, इसका 1.17, और इसका भाई 1.22, और इसका भाई 1. बढ़कर हो जाता है प्यारे बच्चों इसका इसका भाई 1. ये लिखो 1.818 भाई, और इसका 1.22। अब तुम देखो प्यारे बच्चों ये जो इनका वेरिएशन है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक लगभग बराबर ही आ रहा भाई प्यारे बच्चों, लगभग में बराबर ही आ रहा प्यारे बच्चों। 9 कर दो इसको भाई, लगभग प्यारे बच्चों क्या रहा, बराबर आ रहा, इसलिए इनमें क्या आया था प्यारे बच्चों, वेरिएशन आता है। देखो क्यों आता है वो भी, उसको भी समझ लो भाई, ऐसा क्यों होता है भाई प्यारे बच्चों, उसको भी समझो, इसको भी समझो प्यारे बच्चों ऐसा क्यों होता है। देखो प्यारे बच्चों जो आपके डी ब्लॉक की, जो आपके डी ब्लॉक के उपकोष है भाई, वे नाभिक से ज्यादा दूर होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है भाई? नाभिक से ज्यादा दूर होते हैं, तो नाभिक इनको प्यारे बच्चों खींचना ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं खींचता इनको, और जिस प्रकार इनमें भाई इलेक्ट्रॉन संख्या, भाई जैसे यहां पर देखो स्कैंडियम का भाई लफड़ा कुछ नहीं है भाई, स्कैंडियम से स्कैंडियम पर कोई लफड़ा नहीं है, स्कैंडियम से आगे गए टाइटेनियम पर कोई लफड़ा नहीं आया भाई, आकार भाई उसी प्रकार घटता जा रहा, फिर घटा, लेकिन फिर भाई घटना बंद हो गया प्यारे बच्चों, फिर तो लफड़ा हो गया भाई, लफड़ा हो गया प्यारे बच्चों। नहीं भाई तुम देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, इसमें लफड़े की बात कर रहा हूँ भाई, लफड़ा मतलब समझाना भाई, स्कैंडियम, स्कैंडियम का आकार इस प्रकार है भाई, आगे बढ़ा मैं टाइटेनियम पर आकार छोटा कोई लफड़ा नहीं भाई, फिर आगे बढ़ा वेनेडियम का आकार फिर छोटा कोई लफड़ा नहीं, फिर आगे बढ़ा आकार बिल्कुल क्या आगे प्यारे बच्चों बराबर आए भाई, आकार क्या है फिर बराबर आए, कहाँ तक भाई निकिल तक, फिर अचानक बढ़ गया आकार, फिर और बढ़ गए, ऐसा क्यों आप प्यारे बच्चों उसको देखते हैं भाई। देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है भाई, यहाँ तक कि जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते भाई, आपका इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d1, भाई डी में एक इलेक्ट्रॉन आ आया भाई, तो नाभिक भाई इसको बटा दूं 4s1 3d1 तक लिखूंगा प्यारे बच्चों। भाई इस प्रकार d1 आएगा, d1 आएगा इलेक्ट्रॉन, d3 आएगा और d2 आएगा, d3 आएगा, d5 आएगा, और इसमें भी d5 आएगा, d6 आएगा, d7 आएगा, d8 आएगा भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन, और d10 आएगा, और इसमें भी d10 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब तुम देखो प्यारे बच्चों जब इन पर कोई भी नाभिक आवेश भाई डी ब्लॉक के दूर थे, चलो भाई नाभिक खींच रहा था, खींच ही रहा था प्यारे बच्चों, आवेश बढ़ा, नाभिक आवेश बढ़ा क्योंकि प्रोटॉन संख्या बढ़ी भाई, नाभिक ने खींचे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन को, आकार छोटा हो गया, फिर नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बढ़े प्यारे बच्चों, चलो खींच रहा भाई वो नाभिक, भाई नाभिक आवेश बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन और खींच रहा और आकार छोटा हो गया, लेकिन फिर प्यारे बच्चों जब कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं भाई, कोषों में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने लगता है भाई, नाभिक का आवेश तो बढ़ रहा, दोस्त भी बढ़े दुश्मन भी बढ़े, दुश्मन मान लो नाभिक को, नाभिक भी, नाभिक का आवेश भी बढ़ रहा,
समझ में आ रहा भाई, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ रहे। तो प्यारे बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन उपकोष में बढ़ते हैं तो उनका उनमें प्रतिकर्षण के कारण उनका आकार बड़ा हो जाता है भाई। ये खींचता तो है लेकिन ज्यादा नहीं खींच पाता, न्यूट्रलाइज कर देता भाई जो उनका प्रतिकर्षण लग रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहां पर नाभिक तो बड़ा प्यारे बच्चों, नाभिक का व्यास बड़ा लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण ही बड़ा, इसलिए आकार सेम। फिर इसी प्रकार सेम, इसी प्रकार फिर अचानक प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाता है भाई, नाभिक के आवेश को भी कम कर देता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाता है प्यारे बच्चों। जिंक में इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण उनका आकार बढ़ जाता है, इसलिए प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, इसलिए लास्ट में आकर आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं भाई आपको इस प्रकार प्यारे बच्चों, इस प्रकार भाई देखो, अगर नॉर्मल ट्रेंड में देखें भाई, इस प्रकार हो रहा था आकार। मैंने आपको बता भी, वर्ग में आवर्त में 22 दाएं जाने पर आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, घटता है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो पहले घटा भाई स्कैंडियम का, ये स्कैंडियम हो गया प्यारे बच्चों, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, क्रोमियम फिर मैग्नीज लगभग बराबर, आयरन, निकिल, आयरन कोबाल्ट, निकिल, फिर अचानक प्यारे बच्चों बढ़ गया आकार कॉपर और जिंक। इस प्रकार ये नॉर्मल ट्रेंड से अलग आता है प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, इस प्रकार ये आकार भाई इनका तो आकार लगभग में सेम आ जाता है प्यारे बच्चों। ये लगभग में इस प्रकार दिखा देते हैं हम, लगभग में सेम। फिर इस अचानक आकार क्या आता है प्यारे बच्चों, बढ़ जाता है। इस प्रकार नॉर्मल ट्रेंड तो भाई होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता, डी ब्लॉक में लफड़ा हो जाता है भाई प्यारे बच्चों। सही मारा भाई। समय भी आ रहा है यार तुम्हारे? नहीं भाई। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, हम जो पी ब्लॉक की धातु है उनमें देखते हैं भाई, सारे ही भाई ऐसे प्रकार हो रहे हैं डी ब्लॉक में। आगे फिर एफ ब्लॉक भाई बढ़ता है, उसमें और लफड़ा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा हम लफड़े की बात नहीं कर रहे, बस थोड़ा सा ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों में। अब देखो प्यारे बच्चों, आपके जो भी पी ब्लॉक के भाई अपवाद है, पी ब्लॉक की धातु है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, ये होता है भाई डी पी ब्लॉक के तत्व। यही ये 13वां वर्ग होता है, मैं पता भाई। फिर कहो, सीता, गीता, सुनो, प्रभु, फिर बच्चों नाना, पाटेगर, अश्विन, सब, बीमार, पता भाई ये पी ब्लॉक के तत्व है सारे बच्चों। ओल्ड स्टाइल से टेपो, फिर कल, बाहर आई आंटी। अब देखो प्यारे बच्चों, हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, मैंने आपको बताया वर्ग में ऊपर से नीचे हो जाने पर आकार क्या होना चाहिए भाई, बढ़ाना चाहिए था भाई, इस प्रकार होना चाहिए था भाई। इसका आकार ज्यादा, इसका 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 ज्यादा, भाई आकार बढ़ना होना, बढ़ता बढ़ता रहना चाहिए था भाई। लेकिन ऐसा होता नहीं प्यारे बच्चों, क्यों नहीं होता उसको भी मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो प्यारे बच्चों, यहां तक तो भाई आकार भाई बढ़ता है, चलो वो आकार प्यारे बच्चों बढ़ता है भाई, भाई वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने और भाई आकार बढ़ता है हमें पता है भाई। लेकिन प्यारे बच्चों अचानक ही इसका आकार छोटा हो जाता है भाई, अचानक ही, वो बताऊंगा भाई कैसे, उसको देखो भाई। भाई देखो बच्चों, मैंने आपको बताया भाई वर्ग में ऊपर से नीचे को जाने पर आकार बढ़ता है भाई, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, बढ़ता है। लेकिन प्यारे बच्चों गैलियम का आकार छोटा हो जाता है, क्यों हुआ प्यारे बच्चों? आप देखो, मैं एक ही बताऊंगा, इसका इसका, फिर इसमें इसमें सेम, इसमें इसमें सेम, इसमें इसमें सेम, इसमें इसमें, मतलब जो भी यहाँ पर होगा वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, और वही यहाँ पर, वही यहाँ पर होगा, फिर वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो गैलियम के आने के बाद जब गैलियम तत्व आता है तो 3D तत्व के इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं प्यारे बच्चों। और मैंने आपको बताया भाई, जो 3D तत्व के इलेक्ट्रॉन है वे नाभिक से दूर तो होता है लेकिन मैं अपने आप को ज्यादा दे, मतलब उनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है प्यारे बच्चों। भाई जब नाभिक आवेश तो बड़ा, नाभिक से दूर तो है प्यारे बच्चों में मान लिया, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो बचने की क्षमता हो डी ब्लॉकों की कम होती है, इसलिए डी ब्लॉक ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते और वे क्या होते हैं नाभिक की ओर जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है खींचने लगते हैं, इसलिए इसका आकार प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका भी आकार कम, इसका भी कम, इसका भी कम, इसका भी कम।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनमें इस प्रकार आ जाता है प्यारे बच्चों, ये चीन एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होता है प्यारे बच्चों, किससे भाई, गैलियम से। सीजम का आकार बड़ा होता है जर्मेनियम से। फास्फोरस का आकार बड़ा होता है बच्चों आर्सेनिक से। सल्फर का आकार बड़ा होता है सेलेनियम से। क्लोरीन का आकार बड़ा होता है प्यारे बच्चों किससे भाई, ब्रोमीन से। इसी प्रकार भाई इंडियम का आकार बड़ा होता है थेलियम से। स्टेनस का आकार होता है भाई, टीन का आकार बड़ा होता है प्यारे बच्चों प्लेडियम से। और इसका भाई एंटीमनी का आकार बड़ा होता है बिस्मिथ से। टेलुरियम का आकार बड़ा होता है पोलोनियम से। और आयोडीन का आकार बड़ा होता है इससे प्यारे बच्चों, 80 से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार ये ट्रेंड आया था भाई। तो अब देखो सबसे बड़ा आकार प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम का, वो सबसे बड़ा आकार तो भाई इंडियम का हो जाएगा, क्यों भाई इनमें वेरिएशन आ गया। तो इसमें अगर मैं देखूँ प्यारे बच्चों तो सबसे बड़ा आकार इंडियम का, फिर बच्चों किसका, थेलियम का, फिर क्या रहे बच्चों आप भाई गैलियम समझ जाते, गैलियम का आकार नहीं होता, फिर होता है प्यारे बच्चों एल्यूमिनियम का, और फिर गैलियम का, और फिर सबसे कम होता है प्यारे बच्चों बोरोन का आकार। सही हमारा प्यारे बच्चों, ये वेरिएशन होता है प्यारे बच्चों, इसको नोट करके लिखना, और पूछे जाता है भाई IIT JEE नीट में भी ये। ठीक है भाई, इसी प्रकार बच्चों इसका सबसे बड़ा आकार त्रिज्या लिख रहा भाई मैं, त्रिज्या आकार, तो सबसे बड़ी त्रिज्या इसकी, फिर प्यारे बच्चों इसकी होनी चाहिए थी लेकिन इसकी नहीं होती, इसकी नहीं, नहीं भाई सॉरी 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 भाई, इसकी होती है प्यारे बच्चों एसन की भाई, सबसे बड़ी होती है एसन की, फिर इसकी, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर एफ बोलो 4F के तत्व एंट्री करते हैं भाई, भाई जो यहाँ पर 4F के तत्व जब एंट्री करते हैं तो उनका प्रतिकर्षण कम होता है, इसलिए इनका आकार क्या होता है प्यारे बच्चों, छोटा हो जाता है इनसे। तो इसको ट्रेंड को लिख लेना भाई। फिर प्यारे बच्चों सेलेनियम का, और फिर होता है भाई आपका जर्मेनियम का, और फिर कार्बन का, ये आकार का भाई नॉर्मल ट्रेंड लिख लेना, नॉर्मल नहीं है भाई ये, वेरिएशन है ये। फिर बच्चों आपका SB का, फिर BI का, फिर आपका भाई किसका, फास्फोरस का, फिर आपका आर्सेनिक का, फिर आपका बच्चों नाइट्रोजन का। इसी प्रकार बच्चों उसमें टेलुरियम का सबसे बड़ा आकार, फिर पोलोनियम का, फिर सल्फर का, सेलेनियम, ऑक्सीजन। इसी प्रकार बच्चों सबसे सबसे बड़ा आकार आयोडीन का, फिर AT का, फिर किसका प्यार बच्चों, क्लोरीन का, और फिर भाई आपका ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का। तो बच्चों क्लोरीन का आकार बड़ा होता है भाई फ्लोरीन से, इसको भी याद रख लेना भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक की एंट्री तभी होती है। तो इस प्रकार भाई ये वेरिएशन होते हैं प्यारे बच्चों, वेरिएशन को आपको याद रखना, और वैसे पूछा तो भाई नॉर्मल आप दे सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप सभी के यहाँ तक समय आया होगा भाई, तो बच्चों आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जो भी आपको वीडियो देखनी है भाई प्ले लिस्ट के अनुसार देखा करो प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप एक सिक्वेंस के अनुसार वीडियो को देखोगे समझोगे तो आप अपनी तैयारी में और भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको भाई स्पीड कम लगती है तो स्पीड को कम ज़्यादा आपके हाथ में भाई बच्चों, बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अपनी तैयारी करते रहिए भाई, हम आपके साथ हैं। जय हिंद जय भारत। आपको और आपके परिवार वालों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन प्रत्येक शिक्षक के लिए बहुत ही सम्मान का दिन होता है। इस दिन प्रत्येक बच्चा प्रत्येक स्टूडेंट अपने टीचरों को बहुत ही ज़्यादा सम्मान देता है। लेकिन मैं तो सभी बच्चों से और प्रत्येक स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि टीचर के लिए सिर्फ एक ही दिन सम्मान का ना होना चाहिए, टीचर के लिए तो प्रत्येक दिन ही सम्मान का होता है। क्योंकि जो अपने आप को मशाल की तरह जलाकर दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं, अपनी ज़िंदगी को वहीं पर रखकर दूसरों को आगे पहुंचाते हैं, इसलिए सम्मान का दिन सिर्फ एक ही ना होना चाहिए, शिक्षकों के लिए प्रत्येक दिन ही सम्मान का होना चाहिए। हम सभी की लाइफ में एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ा शिक्षक हमारे जीवन का हमारे एक परिवार होता है, और उस परिवार में भी हमारे माता पिता सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। शिक्षक तो कोई भी हो सकता है, कोई भी सिखा सकता है, मुझे भी आपको भी, कोई भी, चाहे एक छोटा बच्चा हो चाहे कोई भी हो,
कोई भी सिखा सकता है, लेकिन शिक्षा भी वही अच्छी है और शिक्षक भी वही अच्छे हैं जो हमारे आपके स्वभाव में, बोलचाल में, देखने के नज़रिए में परिवर्तन कर दे। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होता है, शिक्षक दिवस के रूप में जिसे मनाया जाता है। आपको पता ही है कि किस लिए मनाया जाता है, किस लिए नहीं, उस पर मैं बातों पर नहीं जाऊंगा। लेकिन एक शिक्षक के प्रति बच्चों का प्यार और शिक्षक का बच्चों के प्रति प्यार ही इस दिवस को मनाने पर मजबूर करता है। हमारी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में, हम सभी की लाइफ में एक शिक्षक का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। मेरे याद है जब मेरे एक शिक्षक थे, हिंदी के टीचर थे, जब मैं फेल हो गया था तो उन्होंने मुझे एक हौसला दिया था कि ये फेल पास होना जिंदगी का सार नहीं होता, फेल पास सिर्फ एक कागजों में रह जाता है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर जाओ उससे तुम्हें कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे से कि तुम फेल हुए या पास हुए, बस तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, कुछ सीखते जाओ, कुछ सिखाते जाओ। कैसे भी मोड़ हो, कैसी भी स्थिति हो, आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी में बेटर करो, तुम जिंदगी में कुछ बेहतर करो जिससे तुम्हारी एक इमेज बने, तुम्हारी एक स्थिति बने, जहां पर तुम जाए वहां पर तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से जाने, तुम्हें तुम्हारे काम से जाने तुम्हें। तो उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया और मेरी लाइफ में तो बहुत ही शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, वे आज कहीं पर भी हो, लेकिन आज भी उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्नेह है और हमेशा रहेगा। एक टाइम होता था जब हम अपने टीचरों से बात करते थे और उनसे मतलब बातचीत करते, तो हम अपनी नज़रें भी नहीं मिलाते थे टीचरों से। इसलिए नहीं कि हम अपने टीचरों से डरते, हम अपने टीचरों का मान सम्मान करते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज के बच्चे, चलो कोई ना, सभी सही है, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई बच्चे गलत हैं, वे भी अपनी जगह सही है बेचारे। जैसे जैसे जान जाते हैं उनको ऐसे ऐसे समझ आने लगती है, वे इतने मैच्योर नहीं हो पाते, इसलिए थोड़ी बहुत बच्चों पर गलती हो जाती है। मेरी लाइफ में बहुत ही शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो कुछ भी आज शिक्षकों की वजह से, मेरे परिवार की वजह से, आप सभी की वजह से ही है। डीमोटिवेट फील नहीं करना है कभी भी, उन्होंने मुझे बहुत ही समझा और मैं फिर लाइफ में अपनी आगे बढ़ा और फिर अपनी ज़िंदगी के फिर चलता ही चला गया, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरी लाइफ में और हम सभी की लाइफ में शिक्षकों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो मैं तो अपने सभी शिक्षक गणों को और सभी देश के शिक्षकों को सत सत नमन करता हूँ, उनको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।